नई उम्मीद, एक नया दिन, एक नई शुरुआत, एक नया सफर। कहानी है अंद्राब झील की, जिसे कोलेग भी कहा जाता है, जो सतह समंदर से तकरीबन 10,800 फीट की ऊंचाई पर और ब्लू वाटर कालाम से तकरीबन 9 घंटे की दूरी पर पहाड़ों के बीच मौजूद है। वैसे तो सफर का आगाज तब होता है जब आप घर से निकलते हो, लेकिन एडवेंचर और असली मज़ा तब आता है जब आप ट्रैक स्टार्ट करते हो। क्योंकि आपको देवकामत पहाड़ों, पिछले सीजन के बचे कच्चे ग्लेशियर्स और हरे भरे जंगलात से गुजरना पड़ता है। ऐसे में आपको कुदरत के बहुत सारे शाहकार और करिश्मे देखने को मिलेंगे, जिसमें पहाड़ों के बीच वादियों में मौसमी बहार की तरह सैकड़ों किस्म के फूल, पहाड़ों से जिपटे हुए पिघलते ग्लेशियर का पानी और आखिर में ऐसा झील जिसके बारे में मशहूर है कि वो लाइट के मकदार के मुताबिक अपना कलर चेंज करता है, कभी ग्रीन तो कभी ब्लू तो कभी क्रिस्टल लाइट तो कभी डार्क ग्रीन। और यूं लगता है जैसे ग्लेशियर का पानी आखिरी बार अलविदाई मुलाकात करते हैं और एक नए सफर की तैयारी के लिए पुरउम्मीद होता है। इसलिए तो कहते हैं कि बहुत कुछ पाने की चाह में निकला था घर से, मंजिलों की कोच खबर थी और अनजाता सफर से, कुछ अपने पीछे छूट गए तो कुछ अनजा भी अपने हुए, साथ उनके चलते चलते मुकम्मल कुछ सपने हुए, पड़ाव बदले माहौल बदलने लगा, एक तरह से जीने का तरीका बदलने लगा, पड़ाव बदले माहौल बदलने लगा, एक तरह से जीने का तरीका बदलने लगा, बीता वक्त जहन में तो ताँ पर सोच में नहीं, फिर धीरे धीरे मुकम्मल सपनों ने बता दिया कि ये रास्ते कुछ और है और मुझे जाना कहीं और है। मैं हकीकत के करीब था, बच्चे उनकी कहानियां और ये वादियां, उनके बचपन में खुद के बचपन को जीने की आज़ादियां। खैर, जो देखा जो समझा जो जाना सो किया, क्या गलत क्या सही कहा नहीं किसी ने, फिर जाना होगा देखने समझने और सीखने, और बच्चे और बचपना और कहानियां जीने, हकीकत की तलाश में फिर निकला हूँ घर से, मंजिल का कुछ पता नहीं, पूछ लूँगा सफ़र से।